आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है शाम के ठंडे ठंडे मौसम के साथ। तो मैं गांव में झड़वा के, ये देखिए मौसम कितना प्यारा दिख रहा है, झड़वा के गांव में झड़वा के मैं जाती हूँ घर की ओर, क्योंकि आप लोगों को मेरी शक्ल देखिए पता लग रहा होगा कि मेरे हाल बेहाल हो रखे हैं। तो मैं घर पहुँचते ही मेरी तैयारी होती है दूध लेने जाने की, और मैं यहाँ पर अपना बोतल पकड़ के चल पड़ती हूँ दूध लेने। तो रास्ते में मिलती है मेरे को रोही, तो आज रोही का जन्मदिन है इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा बैठती हूँ, टाइम स्पेंड करती हुई हेलो गाइस भी बोलती है। उसके बाद मेरे को बर्थडे में ले जाते हुए डीजे ले जाते हुए तीन मजदूर मिलते हैं रास्ते में, देखिए। वापस मैं घर पहुँच के करती हूँ मैं पूजा पाठ, उसके बाद चलती है मेरी चाय और नमकीन। तो मेरे को यहाँ चटपटा खाने का मन था इसलिए मैं नोट कर खा रही हूँ। उसके बाद मैं अपना अपना दूध उबालती हूँ, दूध उबालने के बाद मैं फिर से पहुँच जाती हूँ बर्थडे में। तो यहाँ देखिए फिर से इतने सारे मजदूर लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे बर्थडे की तैयारी करने के बाद बारी आती है केक कट करने की, और रोहित के प्यारे प्यारे हाथों से यहाँ पर केक कट हो रहा है। तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर केक कट कर रही है, और ये गालों पर लगाना केक तो ना हमारे यहाँ एक रिवाज सा बन गया है। देखो पक्का गाल ये लगा दिया ना गालों पर। फिर ये मेरे साथ थोड़े मजाक कर लेती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक विचित्र प्राणी का डांस, ये देखो भाई बीमारी में की हालत में भी इतना नाच रही हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से गाने में हम लोग नाच रहे हैं यहाँ पे। वाह क्या सीन है।